हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो इससे पहले आप लोगों को जैसे पता है ओएसएसटीटी कोर्स रिलेटेड कबीरदास के दोहे, सूरदास के पद और बहुत सारी कविता और उसके साथ साथ जो है हिंदी ग्रामर भी आलोचना किया गया है। आप अगर देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट ओएसएसटीटी हिंदी में आपको पद, दोहा, कविता मिल जाएगा और हिंदी ग्रामर फॉर ऑल में आपको जो है व्याकरण से बहुत सारी चीज़ें ओएसएसटीटी कोर्स के अंतर्गत जो है आपको मिल जाएगी। आप वहां देखें, क्लियर हो सकेंगे। तो आज हम आलोचना करेंगे इस वीडियो में भ्रमर गीत से एक पद को आलोचना करेंगे। ओएसएसटीटी में भ्रमर गीत के चार पद है, उसमें से हम इस पद को आलोचना करेंगे और उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जाम हुआ 2016, 2018, 2019 में वो कौन सा क्वेश्चन आया था भ्रमर गीत से, उसको भी देखने की हम जो है कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भ्रमर गीत को। और इससे पहले वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करें, वीडियो को एंड तक देखें, तभी जो है एक एक लाइन जो है आप क्लियर हो सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले संदर्भ, इस पद का जो है संदर्भ समझने की कोशिश करेंगे कि किस संदर्भ में यह पद लिखा गया है। उसके बाद इस पद को पढ़ेंगे और एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे और इसको पूरी तरह से व्याख्या करके पढ़ने की, मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पद जो है सूरदास द्वारा लिखित भ्रमर गीत से लिया गया है। जिस समय कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, वहां कृष्ण का मन नहीं लगता है, लेकिन जिस समय गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, वहां जाने के बाद कृष्ण को गोपियों के मन की दशा भली भांति पति होते, गोपियां कैसे अपना जीवन अतिवाहित करती होंगी। तो इसलिए गोपियों का हाल जानने के लिए कृष्ण उद्धव यानी उद्धव को अपना वन टाइप ऑफ मैसेंजर बनाकर, अपना दूत बनाकर भेजते हैं कि गोपियां के मन की दशा को समझने के लिए। तो उद्धव जो हैं वो निर्गुण ब्रह्मा को मानने वाले हैं, सगुण ने निर्गुण ब्रह्मा को मानने वाले हैं और गोपियां किसकी उपासना करते हैं, कृष्ण की यानी जो सगुण है। तो इन दोनों के बीच जिस समय उद्धव वहां से आते हैं मथुरा से गोकुल गोपियों की मन की बात जानने के लिए, तो कौन भेजते हैं, कृष्ण भेजते हैं। तो उद्धव और गोपियों के बीच जो बातचीत होती है वो भ्रमर गीत के अंतर्गत है। और एक पद यह भी है जो कृष्ण और उद्धव के बीच में होती है। चार पद हैं टोटल ओएसएसटीटी कोर्स से, ठीक है। तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है अभी ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करें, जिसके द्वारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। तो यहां पर हम समझते हैं, चलिए एक एक लाइन को। तो पहला लाइन है उधो मनमाने की बात, दाग छोहरा छड़ी अमृत फल, बिस करी विकार, जो चकोर को देई कपूर, जो चकोर को देई कपूर, कोई तजी अगार अगार। उसके बाद है मधूप करत घर पोरी काठ में, बंदत कमल के पात, ज्यो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात। और अंत में लिखते हैं सूरदास, सूरदास जाको मन जासे सोई ताही सुहात। तो यहां पर सूरदास लिखते हैं कि गोपियां को जिस समय उद्धव जो थे निर्गुण ब्रह्मा के पुजारी थे, भगवान के निर्गुण रूप को मानते थे, तो यहां पर उद्धव आकर वही समझा रही हैं गोपियों से कि निर्गुण की उपासना करने के लिए। तो गोपियां बोलती हैं कि प्यार करने का कारण जो है अज्ञात होता है, प्यार अंधा होता है। तो प्यार करने का कारण अज्ञात होता है, ये तो मन की बात है, ये जिधर लग जाए। गोपियां का मन किससे लगा था, कृष्ण से लगा था। तो वही चीज बोलते हैं, ये मन की बात है, इसका झुकाव किधर हो जाए, इसके लिए कोई चीज नहीं है, एक निर्दिष्ट चीज नहीं है। तो इसलिए ये मन है और मन जो है किधर झुक जाता है, इसका झुकाव किधर हो जाता है, ये किसी को पता नहीं। यानी गोपियां के मन का झुकाव जो है उपासना करती है कृष्ण की, तो उस चीज को उद्धव को कहती हैं। ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, फटाफट हम करते हैं, फिर कभी जब मौका मिले ओएसएसटी के बाद बाद में समझते हैं इसको, फिर से व्याख्या करें। उद्धव मनमाने की बात, तो यहां उद्धव से बोलते हैं मनमाने की बात, ये कहां मन मानता है कृष्ण के सिवा किसी की उपासना करने। हाँ, मन जिधर झुकाव होता है। तो दाख छोहरा छड़ी अमृत फल, बिस करी विखात, बोलते हैं दाख छोहरा छड़ी अमृत कल, विष करी विकाद, विष करी कीड़ा जो होता है यानी गंदगी, विष करी यानी गंदगी खाने वाला कीड़ा, विष को पान करने वाला कीड़ा, विष खाने वाला कीड़ा जो है विष करी विकाद, जो विष करने वाला, विष खाने वाला कीड़ा है। दाग छोहरा छाड़ी अमृत फल, दाग छोहरा जैसे अमृत फल को छाड़ी, छाड़ी मतलब छोड़ देता है, त्याग देता है। दाग यानी किशमिश,
यहां पर लेकिन दाक का मीनिंग हम लेंगे अंगूर, ठीक है। छोहरा, छोहरा फल जानते हैं, खजूर जैसा वही प्रजाति का एक फल होता है। तो दाक छोहरा छड़ी अमृत फल, यानी अमृत जैसे फल, दाक अमृत जैसे फल, छोहरा अमृत जैसे फल, इसे छोड़ देता है कौन? विषकरी, जो विष का कीड़ा होता है, विषैला चीज खाने वाला कीड़ा होता है, वो इसे छोड़कर क्या खाता है? विष जैसे फल को वो पान करता है। तो यहां पर गोपियां का कहने का अर्थ है कि जिसका मन जहां लगा है, आप ये नहीं बोल सकते, यहां उद्धव से बोलते हैं, कहने का मतलब ये है कि आप ये नहीं बोल सकते हम निर्गुण ब्रह्मा की पूजा, हमारा मन तो एक ही मन है और उसे कृष्ण अपने साथ ले गए हैं, इसलिए हम उन्हीं की ही उपासना करेंगे। बोलते हैं जैसे विषैला कीड़ा जो है वो दाक छोहरा जैसे फल को त्याग देता है, खाता नहीं, और खाता क्या है? न गंदगी और विष को खाता है। जो चकोर को देई कपूर कोई तजी अंगाराखा, बोलते हैं जब चकोर को, चकोर एक पक्षी होता है, ठीक है, जब चकोर को देई कपूर कोई, अगर चकोर को कोई कपूर खिलाना देता है, कपूर जैसे शीतल चीज को कोई अगर चकोर को खिलाना चाहे तो चकोर नहीं खाएगा। चकोर का पेड़ जो है अंगारे से ही भरता है, झुलसाते हुए चीजों से ही चकोर का फल, चकोर का पेड़ भरता है, तो इसलिए वो शीतल चीजों को चकोर कभी नहीं खाएगा। मधु करत घर फोरी काठ में बंधत कमल के पात, बोलते हैं मधु करत, मधु का मतलब होता है भौरा, ठीक है, भौरा जानते हैं ना, मधुप का अर्थ होता है भौरा। तो यहां पर लिखते हैं मधुप करत घर फोरी काट में, मधुप करत यानी भौरा करता है घर फोरी काट में, फोरी मतलब काटना, काट के जो है काठ में, लकड़ी में वो घर बना देता है, कौन? मधुप, मधुप करत घर फोरी काट में, के मधुप यानी भौरा जो है लकड़ी को काट कर उसमें घर बना देता है, उसमें इतनी शक्ति होती है वो काट कर घर बना देता है। लेकिन बंधत कमल के पात, जिस समय शाम का समय होता है, संध्या का समय होता है, कमल के पत्ते बंद होने लगते हैं, भौरा जो है उसमें बंद होकर रह जाता है, यानी उससे उसको प्रेम होता है। जैसे ये इसका इतनी ताकत है, एक काठ में भी अपना घर, काठ को काट कर अपना घर बना सकते हैं, लेकिन वहां पर मुंधी होकर रह जाता है, बंधत कमल के पात, वहां पर बंदी बन के रह जाता है। यानी यहां गोपियां कहती हैं, यार जिसका मन जिससे लगा है, जिसकी तरफ झुकाव हुआ है, मन एक है, झुकाव हो गया है, अब निर्गुण ब्रह्मा नहीं, हमको तो अब कृष्ण ही भाते हैं। फिर अंत में बोलते हैं जीव पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लठपा, बोलते हैं ज्यों पतंग हित जानी आपनो, जैसा पतंग, पतंग समझते हैं या गुड्डी वाला, वो वाला पतंग नहीं है, उड़ने वाला पतंग नहीं है, ज्यों पतंग हित जानी, छोटे छोटे कीड़े हित जानी यानी उसी को ही अच्छा समझते हैं, आपनो अपने लिए उसी को अच्छा समझते हैं, दीपक सो लटपा जहां पर रोशनी देखते हैं, जैसे दिया जल रही है, दीपक के रोशनी को देखकर वो आ जाते हैं और उससे क्या करते हैं, न लपटात लिपट जाते हैं, लेकिन वहां पर जो है उनकी जान चली जाती है, लेकिन उसके प्रति उनका प्रेम होता है। तो उद्धव से कहने का अर्थ है कि हमारा झुकाव जो है, हमारा प्रेम जो है कृष्ण के प्रति है, अब निर्गुण ब्रह्मा की बात अब हमें नहीं समझाइए, आपनो दीपक सो लपटात, वो जो है दीपक से जाकर लिपट जाते हैं, अपना हित जानी, अपना सब कुछ समझते हैं कि उसी से ही पतंग को प्यार होता है और वहीं जाकर लिपट जाते हैं, प्यार अंधा होता है और उसके साथ गूंगा और बहरा भी होता है। और सूरदास जाको मन जासो, सूरदास बोलते हैं यहां पर कि जाको मन जासो, जिसका मन जिससे लग गया है, सूरदास जो है कृष्ण भक्त कवि है, तो सूरदास बोलते हैं सूरदास जाको मन, सूरदास बोलते हैं सूरदास जाको मन जासो के, जिसका मन जिससे लग गया है सोई ताही सुहात, बोलते हैं वही उसे सुहात अच्छा लगना, कि जिसका मन जिससे लग गया है वही उसको अच्छा लगता है। उद्धव निर्गुण ब्रह्मा की बात समझाने की कोशिश करते हैं और गोपियां ऐसे आंसर देती हैं। तो उसके साथ देखते हैं 2018-19 में से कौन सा क्वेश्चन आया था, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे, क्योंकि जब भ्रमर गीत का चारों पद कंप्लीट होगा मैं उस समय बताऊंगा भ्रमर गीत से कौन सा क्वेश्चन आया था। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय हिंद।